भगवानुवाच पूर्वमूलमथशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तं वेदस वेदविद् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा इसी कृष्णमय संसार का आनंद लेते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है जीवन संदेश से भरपूर नृत्य नाटिका। विश्राम करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक अद्भुत सी शांति का अनुभव होता है। गुरुदेव, जब से नगर में प्रवेश किया है, चारों दिशाओं में गूंजती कृष्ण धुन ने मन को आहाहा क्या आनंदित कर दिया है। हाँ गुरुदेव, यही अनुभव मैं भी कर रहा हूँ। जब से नगर में प्रवेश किया है गुरुदेव, शारीरिक थकान स्वतः समाप्ति हो गई है, मन अकारण ही प्रसन्न है। ऐसी अनुभूति होना तो स्वाभाविक ही था। यह जो भूमि है, यह जो माटी है, वह कृष्णमय है। यहाँ की हवा कृष्ण के भावों से ओतप्रोत है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। राधे राधे गुरुदेव। आप सबन को भी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। राधे राधे तो ठीक है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं हूँ कान्हा और ये है हमारे दाऊ भैया। लो कर लो बात गुरुदेव, आपके कृष्ण और बलराम तो स्वयं ही पधार गए। यही तो गोकुल का सत्य है, यहाँ का हर बालक कृष्ण और बालिका राधा का स्वरूप है। सही कहा आपने गुरुदेव, ब्रज भूमि का कण कण कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे उनका उद्देश्य, उनका संदेश स्पष्ट था। ये यमुना साक्षी है, ये कदम के वृक्ष साक्षी है, धरती आकाश सभी साक्षी है कृष्ण की लीलाओं के। Thank you.
कुछ नहीं करेगा। इसमें तो मुझे भी कोई जीवन का संदेश नजर नहीं आता गुरुदेव। क्या आपको भी इसमें कोई संदेश दिखाई नहीं देता? जरा आंखें बंद करके ध्यान करिए। आज भी हमारे भीतर कई फनों वाला काला नाग लगातार फुफकार रहा है। उसके क्रोध, लालच, घृणा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी फन अलग अलग दिशाओं से लगातार हमारे अंदर प्रहार करते जा रहे हैं। एक बार अपने अंतर मन के कृष्ण की आवाज सुनिए। ये कृष्ण आपको वचन देता है कि वो आवाज आपको सफलता दिलाएगी। संसार के समक्ष नवीन उदाहरण प्रस्तुत करने का समय आया है। मैं प्रार्थना करता हूं धरती, आकाश व पंच तत्वों से कि वो मेरा साथ दे। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी सभी इंद्रियों से कि वो मेरा साथ दे। प्रभु, मैं ताकतवर हूं, मैं सक्षम हूं, क्योंकि मैं नर हूं। नहीं नहीं, आप मेरा उपयोग करें प्रभु। किसी को चुप कराने और दिशा निर्देश के लिए मैं ही काम आती हूँ। नहीं प्रभु, योग्य तो मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी और ताकतवर हूँ। नहीं प्रभु, सभी पवित्र कार्यों के लिए मेरा ही प्रयोग होता है, अतः मैं ही योग्य हूँ। कनिष्का, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तुम अपनी विशेषता नहीं बताओगी? हे माधव, मैं आपके शरीर का एक छोटा सा अंग हूँ, यही मेरी विशेषता, वो मेरा गुण है। विनम्रता मुझे बहुत प्रिय है। आप जितने विनम्र बनोगे उतना मैं आपको महानता की ओर ले जाऊंगा। ये कृष्ण आपको वचन देता है। बन गए आज,
प्रत्येक व्यक्ति गोवर्धन पूजा गोवर्धन परिक्रमा को अपना सौभाग्य मानता है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने शांति के प्रयास नहीं किए, शांति का अंतिम प्रयास करने वाले श्री कृष्ण ही थे। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा साथी कृष्ण का रथ और नरसिंह अर्जुन की तीर। मिटा को हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा दिव्य दृष्टि।